जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना के अधिकार का सुदृढ़ीकरण, व्हाट इज सीआईसी? सीआईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 2005 में एक एक्ट पास किया गया था हमारे देश की पार्लियामेंट के द्वारा, आरटीआई एक्ट 2005। उसी एक्ट के तहत 12 अक्टूबर 2005 से ये बॉडी काम करना शुरू की थी। इसका पर्पस क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी इन इंडिया नीडेड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। देखिए, एक अच्छी सरकार वही होती है, लोकतंत्र वही होता है, जमहूरियत वही होता है जहां पर लोगों को सवाल पूछने का अधिकार हो, लोगों को जानने का अधिकार हो, जहां सरकार के कामों में ट्रांसपेरेंसी हो। तो उसी चीज को आप कह सकते हैं कि फंक्शन कराने के लिए सीआईसी को बनाया गया। इट इज द ऑथोराइज बॉडी इन इंडिया टू एक्ट अपॉन कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल हु हैव बीन अनेबल टू सबमिट रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ड्यू टू ईदर द ऑफिसर नॉट हैविंग बीन अपॉइंटेड और द रेस्पेक्टिव ऑफिसर रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको सवाल पूछने का अधिकार देता है, आपको सूचना पाने का अधिकार देता है। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई सड़क बन रही है या आपके मोहल्ले में कोई सरकारी काम हो रखा गया, उस सरकारी काम में कितना आवंटन किया गया है, कौन 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 इंजीनियर है, कौन ठेकेदार है, इन सबका अधिकार पाने का आपके पास राइट है, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको देती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर अपॉइंटेड नहीं है इस काम के लिए, या कोई भी ऑफिसर अपना काम करने से इनकार कर देता है, वो आपके आरटीआई एप्लीकेशंस को कह सकते हैं कि उसमें उसका जवाब देने से मना कर देता है, तो उसके कहते नहीं है त्राण के लिए, उसके निवारण के लिए सीआईसी को बनाया गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एक बॉडी बनाई गई है। आप सीआईसी में इसके खिलाफ गुहार लगा सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि इस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो हेड होता है वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 से ज्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के असिस्टेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो याद रखिएगा, 10 से ज्यादा नहीं, मतलब 9 या 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इसके अलावा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होता है। ये ऑफिस होल्ड करते हैं 65 साल की उम्र तक, मतलब मेनली माना जाता है 5 साल के लिए इनका ऑफिस होता है, 5 साल या 65 विचिवर इज अर्लियर, एंड इनको नियुक्त करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नाम रिकमेंड करती है, नियुक्ति तो देश का राष्ट्रपति करता है। एंड फिलहाल हमारे देश में एट प्रेजेंट 2019, मतलब एक साल पहले की बात बता रहा हूं, इस बॉडी में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। चलिए दोस्तों, अब एक सवाल होता है कि ये जो कमिश्नर्स होते हैं सीआईसी में, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति, देश का महामहिम जो कि इस वक्त है रामनाथ कोविंद। मगर इनको नाम कौन रिकमेंड करता है? एक कमिटी रिकमेंड करती है, उस कमिटी में होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा जो कि फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी के पास 10% सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त है, 10% सीट्स अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद होता है दोस्तों आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिलकर जो कमिश्नर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनका नाम रिकमेंड करते हैं देश के राष्ट्रपति को, और देश का राष्ट्रपति उनको अपने वारंट के अंडर, सील के अंडर अपॉइंट करता है। अब एक सवाल है कि ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसका रोल क्या है? इसका रोल, एक रोल तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर आरटीआई 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह की कह सकते हैं कि कंप्लेंट दर्ज करता है, उसकी कंप्लेंट स्टेट या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के द्वारा नहीं सुनी जाती है, तो
इस कमीशन की ड्यूटी बनती है कि उस इंक्वायरी उस कंप्लेंट को रिसीव करे, उसकी इंक्वायरी को जल्द से जल्द सॉल्व करे। द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड। अगर किसी मैटर पर, अगर मान लीजिए कि कोई मैटर गया उसमें किसी भी तरह का रीजनेबल ग्राउंड है, तो फिर ये कमीशन के पास अधिकार होता है कि कमीशन उस मैटर पर इंक्वायरी का आदेश दे सकती है। While inquiring, the commission has the power of civil court in respect of summoning, requiring document, etc. अच्छा, inquiring के दौरान ये जो commission होती है, Central Information Commission, उसके पास civil court की power होती है, वो summon भी भेज सकती है, वो document को भी, उस document की पेशी भी करवा सकती है। इसके अलावा ये annual report submit करती है central government को, जो कि दोनों houses के सामने रखा जाता है। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की रिमूवल करनी हो, अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रिमूवल होना हो तो कैसे होता है? रिमूवल सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बैंक्रप्सी, अनसाउंड माइंड, इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ क्राइम और इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बैंक्रप्सी या अनसाउंड माइंड का हो जाए, मतलब पागल हो जाए, या तो उसकी बॉडी या उसका माइंड उसका साथ ना दे रखा हो, उसको क्राइम के लिए सजा मिली हो, किसी भी तरह की पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो, इन मुद्दों पर प्रेसिडेंट के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो मिसबिहेव करता है तो भी उसको हटाया जा सकता है, मगर वो इस बेसिस को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसकी इंक्वायरी बैठती है। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो वो रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को रिटर्न में। जाते जाते पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। और इस वक्त जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।